जनवरी में कुल जीएसटी कलेक्शन 86,318 करोड़ रुपए का हुआ है। दिसंबर के मुकाबले इस कलेक्शन में गिरावट आई है। वित्त वर्ष 2018 में 9,68,000 करोड़ रुपए के कुल इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन के लक्ष्य तक पहुंचना काफी मुश्किल लग रहा है। जनवरी में कुल जीएसटी कलेक्शन 86,318 करोड़ रुपए का हुआ है, जो दिसंबर में 86,703 करोड़ रुपए का था। वित्त वर्ष 2018 के अंत तक सरकार का कुल इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन का लक्ष्य 9,68,000 करोड़ रुपए का है। हालांकि आंकड़ों के अनुसार जनवरी तक जीएसटी के अंतर्गत कुल 6,14,075 करोड़ रुपए जमा किए जा चुके हैं, जिसमें एसजीएसटी, सीजीएसटी और आईजीएसटी को बांटने के बाद केंद्र सरकार का हिस्सा आधे से भी कम बचता है। इस वित्त वर्ष में अब सिर्फ 2 महीने बचे हैं और इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन के लक्ष्य को पूरा करने के लिए 2.5 लाख करोड़ रुपए से भी कहीं ज्यादा जमा करना होगा, जो कि एक बहुत मुश्किल लक्ष्य है। वित्त मंत्रालय के अनुसार 25 फरवरी तक जीएसटी के तहत 1,03,00,000 करदाता रजिस्टर हुए हैं, जिन्हें हर तिमाही में रिटर्न भरने की जरूरत होती है। इनमें से 1,23,000 कंपोजिशन डीलर योजना से बाहर निकल गए हैं और वे नियमित करदाता बन गए हैं। इस प्रकार से 25 फरवरी 2018 तक 16,42,000 कंपोजिशन डीलर हैं, जिन्हें प्रत्येक तिमाही में रिटर्न दाखिल करने की जरूरत है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि 25 फरवरी 2018 तक जनवरी महीने के लिए 57,78,000 GSTR-3B रिटर्न दाखिल किए गए। ये कुल करदाताओं का 69% बैठता है, जिन्हें मासिक रिटर्न दाखिल करने की जरूरत होती है। जनवरी में कुल जीएसटी कलेक्शन में से 14,233 करोड़ रुपए सीजीएसटी, 19,961 करोड़ रुपए एसजीएसटी, 43,794 करोड़ रुपए आईजीएसटी और 8,331 करोड़ रुपए सेस के रूप में जमा किए गए। सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम यानी सीबीईसी की चीफ कमिश्नर वनजा सरना ने अक्टूबर में ही ये साफ कर दिया था कि अब जब सरकार इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन का लक्ष्य कम नहीं कर रही है, तो इसे पूरा करना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। सरकार के लिए ये आंकड़े चिंता का विषय बन सकते हैं। इसी लक्ष्य के आधार पर सरकार ने इस साल के बजट घाटे का लक्ष्य 3.5% रखा था। टैक्स कलेक्शन का टारगेट पूरा न होने की स्थिति में बजट घाटा भी बढ़ जाएगा। सम्राट शर्मा, गो न्यूज़।